Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dr. Nasheeba Salman and Skin Solutions. मैंने कहा आज क्लिनिक से आपको लाइव ज्वाइन करती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने आप लोगों से बातचीत नहीं की थी और अब क्योंकि ईद भी आ रही है तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से मुलाकात भी कर लूँ और आप लोगों से बातचीत कर लूँ। तो बताएं सब लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? ऑलमोस्ट रमज़ान जो है वो अब एंड के करीब आ गया है और अच्छा ईद की एक खुशी भी होती है लेकिन वो फिर आप मिस करना शुरू कर देते हैं रमज़ान को। तो साथ साथ बताएं कि आप लोगों के रोज़े जो हैं वो कैसे गुजरे और अब कैसे गुजर रहे हैं और आज ऐसे जुमा है और हमें नहीं पता कि अब ये नेक्स्ट वाला जो है वो जुमा उसमें आएगा, रमज़ान में आएगा या नहीं आएगा। तो सारी की सारी बातें जो हैं वो साथ साथ ही चल रही हैं तो मैंने कहा आप लोगों से बातचीत कर लूँ। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी बताते जाएं कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। क्लिनिक में ही हूँ और क्लिनिक में हम काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैंने कहा मैं छोटी सी बात कर लूँ आप लोगों से और आप लोगों से थोड़ी सी मुलाकात कर लूँ क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आप लोगों से मिलके। तो आजकल क्योंकि ईद की प्रेपरेशंस जो हैं वो चल रही हैं, हम सबकी ही जो है वो चल रही हैं ईद की प्रेपरेशंस। सब जो हैं वो अपने कपड़े बना रहे होते हैं, सब जो हैं वो अपनी ज्वेलरी सेट कर रहे होते हैं। मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ और मेल की भी इसी तरह से जो है वो शॉपिंग चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है। होता ये है कि रमज़ान में हम लोग क्योंकि रोज़े रख रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारी रूटीन में भी डिफरेंस होता है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो फूड इनटेक है उसमें भी डिफरेंस होता है। तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमारी स्किन जो है वो वैसी नहीं हमें फ्रेश लगती जैसे कि आम हालात में लगती है। इसमें जो हमारे सोने जागने के की रूटीन है वो भी शामिल हो जाती है, उसके अलावा जो हम खा रहे होते हैं उससे भी जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो हमें समझ में नहीं आता कि हम इतने फ्रेश नहीं लग रहे, लेकिन ईद पे सबका दिल चाहता है कि हम बहुत फ्रेश नज़र आएँ। हमने अपनी पसंद का ये वाला ड्रेस बनाया है और हम सबसे मिलेंगे और वो एक फेस्टिविटी होती है और एक मज़ा आ रहा होता है तो उसमें सबका दिल चाहता है कि सब फ्रेश लगें। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि हम डिफरेंट तरह के क्लिनिकल फेशियल्स करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास क्लिनिक में क्लिनिकल फेशियल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो डिफरेंट तरह के हैं। उसमें एंटी एजिंग भी है, उसके अंदर वाइटनिंग भी है, वाइटनिंग वाले भी हैं फोटो फेशियल्स जो हैं क्लिनिकल फेशियल्स। उसके अलावा फोटो फेशियल भी है, उसके अलावा जो डॉल फेशियल होता है या हॉलीवुड फेशियल होता है या फिर क्या कहते हैं कार्बन फेशियल कहते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे जो क्लिनिकल फेशियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी स्किन के टोन को, आपकी स्किन के लुक को और आपकी स्किन को ब्राइटनेस देने में, आपकी स्किन को एक फ्रेश लुक देने में। ज़्यादातर तो यही होता है कि स्किन ठीक होती है, जो लोग लुक आफ्टर कर रहे होते हैं उनकी स्किन अच्छी रह रही होती है, लेकिन हर स्किन को पैम्परिंग चाहिए होती है और हर स्किन को थोड़ा बहुत कुछ सपोर्टिव चाहिए होता है। तो जो क्लिनिकल फेशियल्स होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं इस मकसद के लिए। आजकल क्योंकि हमारी ऑफर भी लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो हमारे पास कस्टमर्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास लोग हैं जो बेसिकली क्लिनिकल फेशियल्स कराने के लिए आ रहे हैं। क्लिनिकल फेशियल्स जो होते हैं उनका कोई डाउन टाइम नहीं होता, वो पेनलेस होते हैं, हैसल फ्री होते हैं, कोई भी करा सकता है, मेल भी करा सकते हैं, फीमेल भी करा सकते हैं, यंगस्टर्स भी करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है और इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं क्लिनिकल फेशियल्स। जिस तरह अभी ईद आएगी तो हम उसमें अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा नजर आना चाहते हैं, फ्रेश लगना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। आप लोग भी चाहें तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। लेट्स सी कि किस किस ने हमें ज्वाइन किया है। सबीना खालिद 256 ने ज्वाइन किया है, आमना खुर्रम 555 ने ज्वाइन किया है, उसके बाद नसरत 291 ने ज्वाइन किया है, फौकिया वकार ने ज्वाइन किया है और हम देखते जाते हैं, निमरा फेरी ने ज्वाइन किया है और उसके बाद सिर्टम 004 ने ज्वाइन किया है, वो सलाम कह रही हैं, सलाम टू यू टू। उसके बाद बीनी ने ज्वाइन किया है, पलवशा बाकिर ने ज्वाइन किया है, सुमेरा सईद ने ज्वाइन किया है, उसके बाद शुमाइला अनम ने ज्वाइन किया है, उसके बाद एवी 5217 ने ज्वाइन किया, वो कह रही हैं प्लीज़ सजेस्ट ए गुड क्लेंजर फॉर वाइट हेड्स। अच्छा, क्लेंजर्स जो हैं वो मैं बहुत सारे दिखाती रहती हूँ अपने लाइव सेशंस में और मैं इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन के लिए। तो अभी जो मैं आपको बताने लगी हूँ, जैसे आप कह रही हैं कि वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपके लिए जो है वो ACM की क्लिनजिंग जेल बहुत अच्छी रहेगी, ACM क्लिनजिंग जेल। और ये क्लिनजिंग जेल जो है ये आपने फेस वॉश से पहले यूज़ करनी होती है,
10 सेकेंड्स जो हैं वो इनफ होते हैं और आप दिन में दो दफा यूज कर लें फेस वॉश से पहले 10 सेकेंड्स के लिए, एक दफा सुबह कर लिया करें और एक दफा रात में कर लिया करें। उसके बाद सालहा जमील 5 कह रही हैं कि इस्लामाबाद में F8 से ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उसके बाद नीना फसी 4 ने ज्वाइन किया है, कह रही हैं कि रोजे बेस्ट है। नो डाउट रोजे वाकई बेस्ट होते हैं। आप देखें ऐसे लगता है जैसे ईद फेस्टिवल नहीं है, पूरे का पूरा मंथ जो है ना वो एक फेस्टिविटी लेके आता है हमारे लिए। बहुत ही मजे की रूटीन होती है, बहुत मजा आता है और बस इसकी तो फील ही और है और वो फील जो है वो आपको बाकी सारा साल नहीं मिलती है। उसके बाद सालिया जमील 5 कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है आपका क्या कहते हैं रमजान, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद किरण खान 222 ने ज्वाइन किया है, सालिया जमील कह रही है किरण इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। उसके बाद आए मोहम्मद बिलाल ने ज्वाइन किया है, आलिया अहमद ने ज्वाइन किया है। वो कह रही हैं कि मैम आपका क्लिनिक किस सिटी कहाँ कहाँ है, किस सिटी में है? जी इस्लामाबाद में मेरा क्लिनिक है, जो मेरा मेन क्लिनिक है जहाँ पे मैं हर रोज होती हूँ वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। उसके बाद फातिमा अरशद 169 ने ज्वाइन किया है, उसके बाद सिटम 004 ने ज्वाइन किया है। उसके बाद आलिया अहमद 84 कह रही हैं सलाम मैम, सलाम टू यू टू। और सदफ सही 26 ने ज्वाइन किया है, अलवी 3672 ने ज्वाइन किया है। आप लोग कोई अपना कोई क्वेरी है आप लोगों की, कोई क्विक क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। और मेरा मकसद आज जो है वो लाइव आने का यही था कि मैं आप लोगों से मुलाकात कर लूँ और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्लिनिकल फेशियल्स जो हैं वो किस तरह से पेनलेस होते हैं, हैसल फ्री होते हैं और उसमें बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगता और इनका कोई डाउन टाइम नहीं होता और ये आप कोई भी करवा सकता है। और ईद जो है उसके ऊपर बहुत ही फ्रेश लुक और बहुत ही अच्छी लुक जो है वो आप ले सकते हैं, जहां हम अपनी पसंद के कपड़े बनाते हैं और अपनी पसंद की ज्वेलरी मैच करते हैं, चूड़ियां लेते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। वहां पे अगर हमारी स्किन फ्रेश होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वही चीज़ हमारे ऊपर ज़्यादा सूट करना शुरू हो जाती है जो कि हमने बनाई होती है। जी किसी की कोई क्विक क्वेरी है तो वो पूछ लें। वजीहा 8565 पूछ रही हैं समर्स के लिए सनब्लॉक जिससे ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। वजीहा थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्वेटिंग में डिफरेंस होता है, स्वेटिंग और चीज़ होती है, ऑयल और चीज़ होती है। स्वेट को हम नहीं कंट्रोल कर पाते लेकिन वैसे हम ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको ISIS का सनब्लॉक बता रही हूँ, वो बहुत अच्छा है। ACM का सनब्लॉक बता रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। इन दोनों में कास्ट भी नहीं है, वाइट कलर या वाइट कास्ट नहीं देते और उसके साथ आपके पोर्स क्लॉग नहीं करते। इन एनी केस जो स्वेटिंग है वो एक डिफरेंट इशू है और स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए फिर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो हम अपने सनब्लॉक के थ्रू नहीं कर सकते। उसके बाद समिया शान कह रही है प्लीज टॉक ऑन स्कूल गोइंग किड्स स्किन इशूज ऑन योर व्लॉग्स। अच्छा ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं 10 ईयर्स ओल्ड या फिर 10 ईयर्स अबव 10 ईयर्स हैं या फिर 10 ईयर्स के हैं तो फिर हम उनको बताते हैं कि आप अपनी क्या रूटीन बना सकते हैं, आप किससे फेस वॉश करें, आप कौन सा सनब्लॉक लगाएं। लेकिन अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स जो है वो आप बच्चों को नॉर्मल बच्चों वाला सनब्लॉक जो है वो लगाएं और वो सारे बच्चों के लिए एक ही जैसा होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक हम सनब्लॉक्स नहीं बताते। जैसे हमारे पास जो है वो बच्चों के लिए सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। और मार्केट में भी जो आपके पास अवेलेबल हैं जितने भी ओवर द काउंटर बच्चों के सनब्लॉक्स हैं वो आप जरूर लगाएं और बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें और एंटीबैक्टीरियल फेस वॉशेस आपने यूज नहीं करने। फातिमा जहरा 6667 कह रही है मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी आप सब लोग ब्यूटीफुल हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज के मेरे लाइव का मकसद है ये जो भी आप लोग पूछ सकते हैं और उसके अलावा हम एक अच्छी सी चिट चैट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहती थी क्लिनिकल फेशियल्स के बारे में जो कि बहुत अच्छे रहते हैं और स्पेशली इस तरह के ओकेजन्स या फेस्टिवल से पहले बहुत अच्छे रहते हैं। समिया शान कह रही है बॉयज टीन एज स्किन इशूज पिम्पल्स ऑन फोरहेड एंड नोज हाउ टू रिमूव। अच्छा पिंपल्स को रिमूव नहीं कर सकते, पिंपल्स को हम कंट्रोल कर सकते होते हैं और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अब बच्चा जो है वो टीन एज में आ गया हुआ है
तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने अपनी हाइजीन कैसे रखनी है। दो चीज़ें आपने ज़रूर यूज़ करवानी है और उसी से बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। एक तो ये कि सर पे ऑयल ना आए और आपका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा करें। अगर आपको लगता है कि ऑयली स्कैल्प है और डेली शैम्पू करने की ज़रूरत है तो डेली शैम्पू करने के बारे में बताएं बच्चों को, उससे बाल ख़राब नहीं होते बल्कि आपकी स्किन और आपके बाल जो हैं वो अच्छे रहेंगे। उसके अलावा जो है वो आपने क्लिनजिंग एंड फेस वॉश, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। दिन में दो दफ़ा बच्चे क्लिनजिंग करें फेस वॉश से पहले फॉर 10 सेकेंड्स और उसके बाद अपना फेस वॉश करें तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद हफ्सा 5684 पूछ रही है, मैम डू वी हैव टू अप्लाई सनब्लॉक वाइल कुकिंग इन किचन हीट टू? येस यू हैव टू अप्लाई योर सनब्लॉक वाइल यू आर कुकिंग वाइल यू आर वर्किंग इन द किचन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने नहीं लगाया होगा तो जो एक्सेसिव हीट होती है वो आपकी स्किन को ख़राब करेगी। तो इट्स नेसेसरी कि आप ज़रूर यूज़ करें अपना सन प्रोटेक्शन। रात का टाइम भी है लेकिन अगर आपको प्रॉपर कुकिंग करनी है कुछ टाइम के लिए तो आप ज़रूर अपना सन ब्लॉक लगा के जाएं, उसके बाद आप उसको रिमूव करते हैं जब आप फारिग हो जाएं। फातिमा ज़ारा 6667 पूछ रही है, विटामिन सी के 2 सीरम्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं? बट वाई टू यूज 2 सेम थिंग्स टुगेदर? उससे क्या होगा? आप 2 विटामिन सी के सीरम्स क्यों लगाएंगे? आप उसकी जगह कोई और चीज़, कोई और सीरम यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप विटामिन सी लगाते हैं तो उसके अलावा आप अल्फा एल्बुटिन का सीरम यूज़ कर सकते हैं, आप हाइलुरोनिक एसिड का सीरम यूज़ कर सकते हैं, आप नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। एक जैसे 2 विटामिन सी के सीरम्स आप क्यों लगाएंगे? ठीक है। उसके बाद बजीहा 8565 पूछ रही हैं, सनब्लॉक रीअप्लाई करने के लिए फेस वॉश भी करना चाहिए या जस्ट अप्लाई कर दें? इट डिपेंड्स, अगर आपको लगता है, अगर आपकी स्किन टाइप ऐसी है कि उसको दिन में 3 से 4 दफ़ा वॉश करने की ज़रूरत है तो इट्स बेटर कि आप अपना फेस वॉश करें उसके बाद उसके ऊपर दोबारा लगा लें। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल टू ड्राई है तो आप उसके बगैर भी, वॉश किए बगैर भी उसको रीअप्लाई कर लें। और अगर आप को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे या वॉश नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ बहुत अच्छा है या बहुत ज़रूरी है कि आप सनब्लॉक ज़रूर रीअप्लाई कर लें ताकि आपकी स्किन ख़राब ना हो। ठीक है। हनी सनी 92 कह रहे हैं, मैम काइंडली टेल मी लाहौर में आपका कोई क्लिनिक है? जी लाहौर में मेरा क्लिनिक है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे जो क्लिनिक के नंबर्स हैं, स्किन सॉल्यूशंस के जो नंबर्स हैं उसी पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद समिया शान कह रही है, सनस्क्रीन फॉर टीनेजर्स बॉयज एंड फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स। अच्छा, जो अगर तो किसी ने एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स करनी होती हैं तो उनके सनब्लॉक्स और होते हैं। फार्मा सीरीज के बहुत अच्छे सनब्लॉक्स हैं जो कि स्पोर्ट्स सनब्लॉक्स हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़, अगर कोई बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट्स करता है या बहुत घंटों के लिए स्पोर्ट्स करने हैं तो फिर बेहतर है कि आप स्पोर्ट्स सनब्लॉक यूज़ करें। वो थोड़ी कास्ट देता है पर इट्स ओके, वो आपने सिर्फ उसी वक्त यूज़ करना है। अदरवाइज नॉर्मल टीनएजर्स जो हैं वो क्या यूज़ कर सकते हैं? वो सन टैन यूज़ कर सकते हैं, वो सोलो टैन के नाम से आता है सनब्लॉक वो यूज़ कर सकते हैं, वो यूवी लाइट सनब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सनब्लॉक्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं टीनएजर्स के लिए। फारी फरीदा ने ज्वाइन किया है, उसके बाद एम जे बी जाहिद ने ज्वाइन किया है, सजेस्ट विटामिन सी सीरम। अच्छा, एम जे बी जाहिद पूछ रहे हैं विटामिन सी सीरम के बारे में। विटामिन सी के बहुत सारे अच्छे वाले सीरम्स जो हैं वो मैं दिखाती रहती हूँ। सीरो सी के नाम से आता है विटामिन सी सीरम, बहुत अच्छा है। जैसे अभी एक मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, एक ये वाला है, उसके बाद जो है वो एक ये वाला मैं आपको विटामिन सी का सीरम दिखा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। और जिन लोगों की स्किन जो है वो ऑयली स्किन है उनके लिए भी मैं दिखा देती हूँ। आ जाए मुझे ना एक वो विटामिन सी का सीरम जो है डेमो फ्यूचर का वो ला के दे दें, और एक इसका प्योरेस्ट का। मैं अभी आपको शो करती हूँ, मैं आपको 2 शो करती हूँ। वो जो हैं वो बेसिकली ऑयल बेस्ड नहीं है तो कोई भी स्किन टाइप वाला उनको लगा सकता है। हफ्सा 5684 कह रही हैं, एक्नी ख़त्म हो गई है बट स्पॉट्स रह गए हैं रेडिश एंड ग्रे, कोई क्रीम बता दें, वॉन्ट टू रिमूव देम। अच्छा, जो स्पॉट्स आप कह रही हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको एक क्रीम बता देती हूँ। उसका नाम है बायोक्सिन स्पॉट क्रीम, बायोक्सिन स्पॉट क्रीम उसका नाम है। वो आप रात को सोने से पहले अपने स्पॉट्स के ऊपर टच कर लिया करें, सिर्फ टच करना है, जहां जहां जरूरत है सिर्फ टच करना है, उससे ज्यादा आपने उसको यूज नहीं करना। ठीक है। रब नहीं करना, पूरे फेस पे नहीं लगा देना।
उसी तरह से जो है वो स्किनोरिन के नाम से क्रीम आती है, इजीली अवेलेबल है फार्मेसीज पे, वो आप लेके बिल्कुल जेंटली आपने बहुत थोड़ी सी अमाउंट में लेके और सिर्फ खाली वहां वहां टच करना है जहां पे आपको सन स्पॉट्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एक विटामिन सी का सीरम दिखा रही हूँ। ये वाला विटामिन सी का सीरम जो है ये वाटर बेस्ड है, कोई भी लगा सकता है और किसी भी वेदर में आप इसे यूज करेंगे, ये पोर्स क्लॉग नहीं करेगा और आपको एक्ने या पिंपल्स नहीं देगा, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आपको एक और ये वाला सीरम दिखा रही हूँ, ये भी वाटर बेस्ड है, वेरी नाइस सीरम और किसी भी स्किन टाइप पे आप यूज कर सकते हैं, किसी भी स्किन टाइप पे यूज करेंगे ये आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा और गर्मियों में भी आप आसानी से इसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। हनी सनी 92 एंड नुस्रा 291 ने ज्वाइन किया है। उसके बाद नासिर अली शाह ने ज्वाइन किया है, ओके, फातिमा जहरा ने ज्वाइन किया है, कह रही है विटामिन सी सीरम के ऊपर नायसिनामाइड सीरम यूज कर सकते हैं या डे एंड नाइट रूटीन में यूज करें। इट्स बेटर कि आप विटामिन सी का सीरम डे में यूज कर लें और नायसिनामाइड रात को सोने से पहले यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए जी, ये हमारा एक क्विक चिट चैट सेशन था जो कि मैं क्लिनिक से ही लाइव आई हुई हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो होपफुली आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का और अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, रोजों को इंजॉय कर रहे होंगे, ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे, तो जहां आप नए कपड़े और नई ज्वेलरी और बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो कवर अप करेंगे, वहां पे स्किन को कवर अप करना और स्किन का फ्रेश लुक जो है वो होना वो बहुत जरूरी होता है। आपकी स्किन जो है वो हेल्दी हो, फ्रेश लुकिंग हो, तो आपके ऊपर हर चीज अच्छी लग रही होती है और आप भी जो है वो इस तरह की स्किन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? हमारे जितने भी क्लिनिकल फेशियल्स हैं उन सब के ऊपर 20% ऑफ है और आप वो सारे के सारे फेशियल्स अवेल कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई डाउन टाइम नहीं है, वो पेनलेस है, पेन फ्री है, लंच टाइम प्रोसीजर है और आप ईद पे एक फ्रेश और एक अच्छी लुक जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।